नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका india.com में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो ही कोई नौकरी कर पाएंगे, तो ही कोई व्यापार कर पाएंगे या कोई अन्य कार्य कर पाएंगे। तो आपको स्वस्थ रखने के लिए हम आज आपके साथ कुछ उपाय साझा करेंगे जो आपकी हर बीमारी को कम या फिर लगभग खत्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए, होता क्या है कि आजकल गलत खान पान को लेकर कुछ पेट की बीमारियां हो जाती हैं। जो हमारा नाभि चक्र होता है, जो हमारे दिमाग तक सारा संदेश ये पहुंचाता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, हमें जो है डिसीज़न कैसा लेना है, ये उसके गड़बड़ होने के बाद जो है बिल्कुल गलत हो जाता है। लेकिन आप अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये आपको बताते हैं। देखिए, सूर्य को लग्न का कारक कहा गया है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य पीड़ित हुआ, सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि हुई, राहु का उसके ऊपर दुष्प्रभाव हुआ या फिर सूर्य और केतु की युति हुई, तो भी आपको अच्छा स्वास्थ्य मिल पाना लगभग असंभव है। तो क्या करें अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए? देखिए, पहला सुख निरोगी काया हमने आपको शुरुआत में ही बता दी। तो सबसे पहला काम, अपने शयन कक्ष में आपको सुधार करना होगा, अपने बेडरूम को सुधारना होगा। जब भी आप सोएं, अपना सिरहाना या तो पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा की तरफ करें। अपने सोने के कमरे में किसी भी तरीके से आपको गंदगी जमा नहीं होने देना है, ये ध्यान रखिए। और तांबे के लोटे का जो पानी होता है उससे अपनी आंखों को धोएंगे और उसी पानी का आपको सेवन करना है। यानी कि तांबे का भरा हुआ पानी आपके स्वास्थ्य को हर तरीके से, सूर्य को बलवान कर देगा, आपकी जठराग्नि को मजबूत कर देगा, आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी तेज करेगा। तो ये छोटा सा उपाय आपको स्वास्थ्य जरूर देगा। और हाँ, जाते जाते आपको एक बात बता दूं कि भगवान सूर्य के 12 नामों का जाप सुबह के समय भगवान सूर्य के सामने आप करिएगा, आपको कुछ ही समय में आपके स्वास्थ्य के अंदर परिवर्तन महसूस होगा। मित्रों, फिर किसी नए वीडियो को लेकर india.com के मंच के माध्यम से हम आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, दीजिए इजाजत। नमस्कार।